दोस्तों मैं हूं एस्ट्रो प्रीति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुख समृद्धि उपाय में। दोस्तों अक्षय तृतीया पर बहुत लोगों के अलग अलग राय हैं। कोई कह रहा है 22 तारीख की पड़ रही है, कोई कह रहा है 23 तारीख की। पहले इसी टॉपिक पर कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं दोस्तों। तो अक्षय तृतीया जो पड़ रही है दोस्तों 22 अप्रैल की पड़ रही है और दिन पड़ रहा है शनिवार। और जो मतलब कुछ लोग 23 की कह रहे हैं लेकिन 23 की नहीं पड़ रही है। जो मैं शुभ मुहूर्त देख रही हूँ यहाँ पर दोस्तों 7:49 से शुरू हो जाएगा और 12:20 तक का है। सुबह 7:49 से 12:20 तक का समय है 22 अप्रैल में। आपको इस समय आपको पूजा कर लेनी है। और ये जो अक्षय तृतीया की समाप्ति हो रही है 23 अप्रैल में हो रही है। 23 अप्रैल में दोस्तों लास्ट समय है 7:47 था, तो इस पे 7:47 पे ही समाप्त हो जाएगी। तो आप कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपका कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। 4 घंटे की अवधि रहेगी, 4 घंटे 4.5 घंटे की अवधि है। इस टाइम को आपको पूजा कर लेनी है सुबह से। तो इस पे कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया दोस्तों। अब जान लेते हैं कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। अक्षय तृतीया जो होती है दोस्तों बहुत ही ज्यादा माँ लक्ष्मी को प्रेरित वो होती है समर्पित। इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, इसे अक्षय तृतीया को ये मत समझिए कि ये एक नॉर्मल ही त्यौहार है। सबसे बड़ा दीपावली की तरह अगर हम इसकी पूजा करते हैं इस त्यौहार पर, अक्षय तृतीया पर, तो इस पर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो अनसूज विवाह जो होते हैं वो भी अक्षय तृतीया पर होते हैं और जितने भी शुभ मुहूर्त हमारे शुरू होते हैं मतलब अक्षय तृतीया पर हम कोई भी काम कर लेते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों हमें लक्ष्मी जी की पूजा में क्या करना है। इस दिन आप दोस्तों दहलीज पूजन जरूर करें। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों सोना नहीं खरीद पाते, तो आपको क्या खरीदना है जान लेते हैं दोस्तों। अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको थोड़े से जौ आपको कहीं भी 5 रुपए के 10 रुपए के जितने भी आप लाए थोड़े से ले आए जौ। इस दिन जौ लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर सोना चांदी ला सकते हैं तो जरूर लाइए एक चरण पादुका। अगर माँ लक्ष्मी के आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहता है। अगर आप जौ भी लाते हैं उतना ही आपके लिए असर होगा। वो जौ जो लाएं माँ लक्ष्मी की पूजा में माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें, एक पुष्प जरूर चढ़ाएं। अगर कर सकते हैं तो दहलीज पूजन इस दिन जरूर करें। माँ लक्ष्मी की इस दिन आराधना अगर हम करते हैं, एक बात और दोस्तों जो आपको पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की इस दिन विष्णु भगवान के साथ जरूर करनी है, क्योंकि जो विष्णु भगवान है माँ लक्ष्मी के पति हैं और पति के बगैर इनकी पूजा नहीं हो सकती। तो पति उनके साथ विष्णु भगवान के साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी है, पुष्प चढ़ाना है। इस दिन अगर खीर का भोग लगाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। सफ़ेद चीज़ों का माँ लक्ष्मी को बहुत अच्छी लगती हैं सफ़ेद चीज़ें, जैसे सफ़ेद मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ। अब ये नहीं सोचिए कि मैं सफ़ेद चीज़ें कह रही हूँ तो सफ़ेद चीज़ें हर चीज़ होगी। फूल वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने हैं सफ़ेद, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट भी हो सकती हैं। लाल फूल आप चढ़ाएं, लाल गुड़हल चढ़ा सकते हैं, लाल आप कमल चढ़ा सकते हैं, गुलाब चढ़ा सकते हैं, तो ये आप चीज़ें चढ़ा सकते हैं। और इस दिन मंदिर जरूर जाएं, माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, भोलेनाथ पर एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आएं और उसका थोड़ा सा जल अपने घर के हर कोने में आपको डालना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो आपने जौ रखे हैं लक्ष्मी जी पूजा में, उस दिन आप केसर और हल्दी मिले पानी से जरूर स्नान कराएं माँ लक्ष्मी को, समर्पित करें माँ लक्ष्मी को, और उसके बाद मिष्ठान का भोग लगाएं माँ लक्ष्मी को। अगर आप वस्त्र नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो कलाबा ही, थोड़ा सा कलाबा ही चढ़ाएं, वस्त्र की सब तरह अर्पित करें माँ लक्ष्मी को, और भोग आपको दूध से बनी मिठाइयों का भोग जरूर लगाएं। बस ये छोटा सा काम है आप जरूर करें, जौ लेकर आएं अपने घर में माँ लक्ष्मी को समर्पित करें और वो थोड़े से जौ अपने धन के स्थान पर जरूर रखें। बहुत ही अच्छा दिन होता है अक्षय तृतीया का, माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। अगर आप इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कर लेते हैं आपके सारे काम बन जाते हैं। शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं माँ लक्ष्मी के नाम का अपने घर के प्रवेश द्वार पर बाहर की तरफ। याद रखें जो दीपक जलाएं वो कलावे की बाती का जलाएं, लाल कलावे की बाती का अगर आप जलाते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों बस इतना ही वीडियो में, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। जो आगे वीडियो मिलती रहे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा वापसी जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी दोस्तों।